शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराजबाग चिड़ियाघर में पिछले लगभग 3 सालों से अकेले रहने वाली जान नामक बाघिन के लिए जोड़ीदार लाने की कोशिश महाराजबाग प्रशासन कर रहा था। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इन्होंने भी महाराजबाग का मास्टर लेआउट प्लान मंजूरी देने के लिए इस बाघिन को जोड़ीदार लाने की शर्त रखी थी। उसी के अनुसार महाराजबाग प्रशासन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव काकोड़कर से दरकार की। उनके आदेशानुसार पिछले माह के 19 तारीख को तरोदी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पकड़े हुए शेर को महाराजबाग में अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया। यह बाघ आने से महाराजबाग सैलानियों को भविष्य में बाघ का जोड़ा दिखाई देने की उम्मीद बन गई है। महाराजबाग में जो एकमात्र बाघिन जान नामक पिछले 3-4 साल से अकेली थी, उसी को जोड़ीदार प्राप्त करने हेतु अपन प्रयास कर रहे थे और उसी हिसाब से सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी अपने को बोल दिया था कि अगर मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करवाना है तो उन्होंने भी उसके लिए कंडीशन डाल दी थी। उसी हिसाब से अपन ने काकोड़कर सर को पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ इनको दरख्वास्त की थी और उन्हीं के आदेश के अनुसार जो एक 3 साल का नर बाघ जो ब्रह्मपुरी के तड़ोदी गांव में अभी 19 तारीख को पकड़ा गया था, उसके आज उसको महाराजबाग में लाया गया है अस्थायी तौर पे और आगे चल के उस बारे में निर्णय होने के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि महाराजबाग में अभी बाघ का जोड़ा पब्लिक के लिए देखने के लिए उपलब्ध हो पाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।